स्वागत है आपका। कांग्रेस के एआईसीसी महासचिव और असम राज्य के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि असम की संस्कृति को खत्म करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। गुवाहाटी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में चार्जशीट कार्ड का कांग्रेस नेताओं की ओर से लोकार्पण किया गया। इस चार्जशीट कार्ड के माध्यम से असम के लोगों को सरकार के 5 साल के कार्य की तस्वीर दिखाई गई। मीडिया से बातचीत में असम प्रभारी जितेंद्र सिंह का कहना था कि यह सरकार रिमोट कंट्रोल से चली है। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन मोदी सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा किया था कि हम 5 लाख नौकरी हर साल देंगे, यानी 25 लाख। 25 लाख नौकरियों का वादा मुख्यमंत्री जी ने किया था और 2 करोड़ नौकरी हर साल का वादा मोदी जी ने किया था। नौकरी देने की तो बात दूर की बात है, लेकिन उन नौकरियों में जो लोगों की नौकरी लगी हुई थी, प्राइवेट जॉब भी कर रहे थे, वो भी उनके जॉब्स खत्म हो चुके हैं। 3 लाख से ज्यादा वैकेंसीज अभी बाकी हैं, वो भर नहीं पाए हैं। और जो भरने की भी उनने कोशिश करी है, उसके अंदर भी बड़े बड़े स्कैम हो चुके हैं। कुछ महीने पहले ऐसा ही स्कैम आपके सामने है कि किस तरह से उसी संगठन ने बैठकर और अपने ही लोगों को पैसे के ऊपर और उस पर नौकरियां बेचने का काम किया है। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे जाति मेति भेती की बात चल रही थी, उसी तरह से ये सरकार आसाम को बेच रही है। मैं पूर्व में भी इसको बात कह चुका हूं और आपके सामने एक बार फिर रखा हूं कि ये सरकार रिमोट कंट्रोल सरकार है। एक दो रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है और यहां के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और सुपर चीफ मिनिस्टर के पास रिमोट कंट्रोल का कंट्रोलर लगा हुआ है। तो दिल्ली से रिमोट कंट्रोल का बटन दबता है और ये तुरंत हमारी आसाम की संस्कृति को, हमारी आसाम की जो रिसोर्सेज हैं, उसको बेचने का काम करते हैं।